आप में से काफ़ी लोगों ने फ्योडोर डोस्टोवेस्की का नाम ज़रूर सुना होगा डोस्टोवेस्की फिलोसोफर तो थे ही बट ही इज़ मोस्ट पॉपुलरली नोन एज अ रशियन नावलिस्ट उनकी राइटिंग्स नाइनटीन सेंचुरी रशिया के सोशियो पोलिटिकल एटमोसफेयर में ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती थी इस बारे में बताती है एस्पेशली उन लोगों का जो रीज़निंग की पावर खो देते हैं नाहिलिस्टिक अप्रोच अपना लेते हैं एंड जो मर्डर तक कमिट करने को तैयार हो जाते हैं डॉस्टोएसकी को वर्ल्ड लिटरेचर में उनके ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है वो हमें अपनी राइटिंग्स के थ्रू जिंदगी देखने का एक नया परसेप्शन देते हैं फियोडोर डॉस्टोएसकी 1821 में मॉस्को रशिया में पैदा हुए थे उनकी फैमिली वेल एस्टैब्लिश थी फादर एक डॉक्टर थे बट उन्हें चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में काम करना पसंद था जो गरीब लोगों के लिए फ्री में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराता था इसलिए टॉस्टोवेस्की का घर हॉस्पिटल के ही एक कॉम्प्लेक्स में था उनका बचपन वहीं बीता। हर रशियन की तरह टॉस्टोवेस्की के पेरेंट्स भी काफ़ी रिलीजियस थे ऐसे ही उनका रिलीजियस फेथ स्ट्रॉन्ग होता गया जब डॉस्टोवेस्की तेरह साल के थे उनकी माँ ट्यूबर से मौत हो गई फिर जब वो सोलह के हुए उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया बट एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का होने की वजह से उन्हें अपने एरिस्टोक्रेटिक फ्रेंड्स के सामने स्मॉल आउट ऑफ प्लेस फील होता था जब की सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ रहे थे तभी उनके फादर की भी मौत हो गई जिसका उन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा उनका फर्स्ट सीजर तभी शुरू हुआ जो आगे आने वाली बीमारी एपलेप्सी के साथ उनके लाइफ लॉन्ग बैटल का पहला साइन था इंजीनियरिंग एकेडमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डॉस्टोएसकी ने थोड़ा टाइम एज एन इंजीनियर काम किया बट लिटरेचर के लिए अपना पैशन देख उन्होंने जॉब छोड़ने एंड फुल टाइम राइटर बनने का फ़ैसला किया ऑल दो ने कुछ नॉवल्स प्रोड्यूस की बट उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिली इसी दौरान टॉस्टोएसकी को गैम्बलिंग का एडिक्शन हो गया जिस वजह से उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ी डॉस्टोवेस्की ने अपना करियर फिक्शन से शुरू किया उनकी फ़र्स्ट नावल ऐसे गरीब लोगों के बारे में थी जो बहुत हार्श कंडीशंस में रहते थे 1841 में उन्होंने अपनी फ़र्स्ट नावल पब्लिश की जिसका नाम था पुअर फोक ये नावल गरीब लोगों की लाइफ एंड उनकी अमीर लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसी होती है इस पर बेस्ड है डॉस्टोवेस्की को इस नावल के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था बट अनफॉर्चुनेटली उनकी सेकेंड नावल कुछ खास नहीं कर पाई एंड उसके बाद की राइटिंग्स ने भी कोई पॉपुलैरिटी गेन नहीं की ये सब देख कर डॉस्टोवेस्की काफ़ी स्ट्रेस्ड रहने लगे उनकी लाइफ और वर्क दोनों ही एमलेस हो गए वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते बट साथ ही साथ डिफरेंट मैटर्स पर शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते रहे इसी दौरान डॉस्टोवेस्की रेडिकल राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स के एक ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आए जो रशियन फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट खुलकर लिखते थे वेल well, डॉस्टावेस्की इस ग्रुप के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं थे बट जब गवर्नमेंट ने इन रेडिकल ग्रुप्स को ढूंढने की इंक्वायरी बैठाई तो सीक्रेट पुलिस ने इस ग्रुप को ढूंढ निकाला और सभी को अरेस्ट कर लिया गया जिसमें से एक डॉस्टावेस्की भी थे उन्हें कुछ वक्त अकेले जेल में रखा गया फॉर डॉस्टोवेस्की इट वॉज द ट्रू बिगिनिंग ऑफ हिज इनर लाइफ एक शुरुआत जहाँ से उनका ग्रेट वर्क आने वाला था आठ महीने बाद उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई जिसके अकॉर्डिंग फायरिंग स्क्वाड को इन सभी लोगों को ओपन में सबके सामने शूट करना था हाउएवर जैसे ही सोल्जर्स फायर करने वाले थे लास्ट मिनट पर ऑफिशियल्स का एक मैसेज आया जिसमें फायरिंग रोकने के लिए कहा गया था ऐसे ही डॉस्टोएवेस्की को कुछ साल के लिए साइबेरिया प्रिजन लेबर कैंप भेज दिया गया जहां उन्हें हॉरिफिक कंडीशंस में रखा गया और फोर्स लेबर करवाया गया कुछ दस साल बाद डोस्की जब साइबेरिया से वापस लौटे यही वो वक्त था जब उन्होंने खुद को एज अ राइटर इस्टेब्लिश किया और अपने मास्टर पीस प्रोड्यूस किए जो कुछ सीरीज ऑफ़ अमेजिंग बुक्स हैं नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड क्राइम एंड पनिशमेंट द एडियट डीमंस एंड द ब्रदर्स कैरमजॉफ ये सभी बुक्स डार्क एंड वायलेंट हैं डॉस्टोवेस्की अपनी बुक्स के थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स देना चाहते थे उनकी फर्स्ट नावल नोट्स फ्राम द अंडरग्राउंड इस कंसिडर टू बी वन ऑफ द फर्स्ट वर्क ऑफ एक्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर इस बुक में डॉस्टोवेस्की इंडिविजअल फ्रीडम जो ह्यूमन कंडीशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसे एक्सप्लेन करते हैं ये एक बिटर एंड आइसोलेटेड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट की कहानी है जिसे अंडरग्राउंड मैन के नाम से जाना जाता है उसका मेन गोल अपने आसपास के लोगों को उतना ही अनहैप्पी एंड मिजरेबल बनाना है जितना वो खुद है बट ही इज़ डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट वो ह्यूमन कंडीशन का एक स्ट्रेंज फैक्ट बताता है वी वॉन्ट हैप्पीनेस बट वी हैव अ स्पेशल टैलेंट ऑफ मेकिंग आर सेल्व मिजरेबल मैन इज समटाइम्स एक्स्ट्राडिनरली पैशनेटली इन लव विथ सफरिंग दैट इज़ अ फैक्ट नावल में डॉस्टोस् फ़िलासफी ऑफ प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं जो उनके टाइम में काफ़ी पॉपुलर थी आज भी है वो हमारी इस हैबिट पर अटैक कर रहे हैं जिसमें हम खुद से लगातार कहते हैं काश लाइफ में ये या वो थोड़ा अलग होता तो हम सफरिंग एंड पेन से बच जाते काश हमें एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाती या गवर्नमेंट बदल जाती एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकते या अपने स्पाउस से डिवोर्स ले सकते दिस एंड दैट एंड सो ऑन तब सब कुछ अच्छा होता परफेक्ट होता दिस टॉस्टोएसकी से इज़ अ डिल्यूजन सफरिंग ह्यूमन लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है इट विल ऑलवेज परस्यू अस टॉस्टोस्की मानते थे ऐसी आइडियोलॉजीज़ जो दुनिया बेहतर बनाने का सपना दिखाती हैं उनमें बहुत खामियां होती हैं ये आइडियोलॉजीज़ सफरिंग जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती बस जो चीज़ अभी पेन दे रही है उसे किसी और के साथ बदल सकती हैं ही सेज़ दस लाइफ कैन ओनली बी अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फोकस ऑफ पेन एंड देयर विल ऑलवेज बी समथिंग टू एर्गनाइज अस फॉर इंस्टेंस आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं उसका सल्यूशन चाहते हैं सपोज़ वो सॉल्व हो गई देन वॉट आप उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आ जाएंगी एंड देन कुछ और एंड और नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड उन सभी आइडियोलॉजीज़ जो सोशल प्रोग्रेस की एंड सफरिंग ख़त्म करने की बात करती हैं उन पर अटैक करती है बट डॉस्ट की सेज दे वोंट सक्सीड क्योंकि सच तो ये है जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी दे विल डायरेक्ट आर नेचर टू बिकम अनहैप्पी इन न्यू वेज़ नोट्स फ्रॉम दी अंडरग्राउंड एक डार्क बट इनसाइटफुल बुक है इट डज़ नॉट से सोशल इम्प्रूवमेंट्स मीनिंगस होते हैं बल्कि ये हमें रिमाइंड कराती है दैट वी विल ऑलवेज़ कैरी आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट सेल्स विद आस डॉस्टोएसकी की सेकेंड नावल क्राइम एंड पनिशमेंट को वर्ल्ड लिटरेचर का ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है इस नावल में डॉस्टोएसकी हमारा इंट्रोडक्शन रोडियन रेस्कॉलिकॉफ से कराते हैं जो एक लॉ स्टूडेंट है सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है वो इतना गरीब है कि उसके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं हैं रेस्कॉलनिकॉव एक मटेरियलिस्टिक राशनलिस्ट है ही बिलीव्स गॉड इज़ डैड उसका मानना है इंसान मॉरली तभी बिहेव करता है जब उसे किसी हायर पावर का डर होता है की ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते थे जिसके पास मर्डर कमिट करने के सारे रीजंस हों फिलोसॉफिकली प्रैक्टिकली एंड एथिकली ऐसे ही रस्कॉलनिकॉव एक बूढ़ी औरत का मर्डर करने और उसके पैसे चुराने का प्लान बनाता है जो एक पॉन ब्रोकर होती है उस औरत ने काफ़ी इनोसेंट लोगों के पैसे रोक कर रखे होते हैं जो उसकी वजह से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक बार रस्कॉलनिकॉव कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि अगर वो औरत मर जाती तो उसके पैसे उन लोगों को मिल सकते थे जिन्हें एक्चुअल में पैसों की ज़रूरत है रस्कॉलनिकॉफ भी सोचता है कि उस ईवल औरत के पास इतने सारे पैसे हैं और वो जो एक इंटेलिजेंट और अच्छा इंसान है गरीबी से परेशान है ये उसे अनफ़ेयर लगता है इसलिए वो सोचता है उस औरत का मर्डर करके रस्कॉलिकॉव अपनी गरीबी दूर कर सकता है और सोसाइटी का भला कर सकता है सो so, वो चुपके से उस औरत के अपार्टमेंट में जाता है और उसे मार देता है ये सब उस औरत की प्रेग्नेंट सिस्टर देख लेती है पैनिक में रस्कॉलनिकॉफ उसे भी मार देता है मर्डर करने के बाद रस्कॉलनिकॉफ कन्फ्यूज पैरानॉइड एंड डिस्कस्टेड फील करता है उसे रियलाइज़ होता है वो कोल्ड ब्लडेड इंसान नहीं है रस्कॉलनिकॉफ गिल्ट एंड हॉरर फील करने लगता है उसे चैन नहीं आता एक तरह से उस मर्डर के साथ रस्कॉल्निकॉफ का भी एक पार्ट मर चुका होता है वो खुद को आइसोलेट कर लेता है फाइनली अपने क्राइम के लिए पनिशमेंट फेस करने के लिए वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है क्राइम एंड पनिशमेंट रस्कॉलनिकॉफ की साइकोलॉजी डीपली एक्सप्लोर करती है टॉस्टोएसकी सजेस्ट करते हैं रियल पनिशमेंट उस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से बेटर है जो रेस्कॉलिकॉफ पनिशमेंट से बचने के लिए फील करता है टॉस्टोएसकी राइट्स वन मस्ट इवेंचुअली कन्फेस और गो मैड डॉस्टोएसकी ने रस्कॉलिकॉफ को एक नाहलिस्ट की तरह दिखाया है जो ग्लूमी है अंदर से डीपली एमटी है नाइन्टीन सेंचुरी रशिया में क्राइम सोसाइटी के एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट समझा जाता था जिसे करने से लोग बिल्कुल नहीं डरते थे वेल well, हम शायद वैसा कभी नहीं करेंगे जैसा रस्कॉलनिकोव ने किया बट कभी कभी हम भी उसकी तरह ये सोचते हैं दैट वी नो आर सेल्व बैटर दैन वी एक्चुअली डू रस्कॉलनिकोव सोचता है वो क्रूअल है जबकि रियल में एक काइंड हार्टेड इंसान है उसे लगा था वो गिल्टी फील नहीं करेगा बट अपने किए पर अब वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है हमारी लाइफ में भी ऐसे ट्रिकी सिचुएशंस आते हैं जहाँ ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जैसा हम खुद को समझते हैं हमारा ट्रू नेचर उससे बिल्कुल अलग है क्राइम एंड पनिशमेंट हमें बताती है कैसे सेल्फ डिस्कवरी करता है एंड रियलाइज़ करता है कि एक्चुअल में वो एक अच्छा इंसान है जिसे आज तक वो बुरा समझता रहा डॉस्टकी हमें दिखाते हैं कि जो इंसान ऊपर से एक मॉन्स्टर लग रहा है शायद उसके नीचे एक सॉफ्ट काइंड हार्टेड एंड डरा हुआ इंसान हो क्राइम एंड पनिशमेंट के साथ टॉस्टोवेस्की हमें अपने मर्डरस हीरो को पसंद करने एंड उसके लिए सिम्पति फील करने पर मजबूर कर देते हैं ही बिलीव्ड नो वन इज आउटसाइड द सर्कल ऑफ गॉड्स लव एंड अंडरस्टैंडिंग टॉस्टोवेस्की की नेक्स्ट मेजर नावल थी द इडियट ये नावल उनके खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है इस नावल में उनके एग्जीक्यूशन से पहले की फीलिंग्स एंड थॉट्स अच्छे से शोकेस की गई है जो डॉस्टोवेस्की के फायरिंग स्क्वाड वाले नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में है नोवेल में डॉस्टोवेस्की हमें बताते हैं जब वो मौत के इतना करीब थे उस वक्त उन्हें कैसा फ़ील हुआ था थ्री मिनट्स बिफोर हिज एक्सपेक्टेड डेथ ही इज़ एबल टू सी लाइफ क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम वो थोड़ी दूरी पर बने चर्च के टॉप पर एक क्रॉस को नोटिस करते हैं देखते हैं कि कैसे वो टाइनी क्रॉस सूरज की रोशनी में शाइन कर रहा है उन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि कोई चीज़ सनलाइट पड़ने पर इतनी ब्यूटीफुली शाइन कर सकती है वो बस उसे देखते रहना चाहते हैं उन्हें फील हुआ जैसे वो उसके साथ मर्ज हो गए हैं ही राइट्स वॉट इफ़ आई हैड नॉट टू डाई वॉट इफ़ आई कुड रिटर्न ओह वॉट एन इटर्निटी

आप सिंपल चीज़ों में मैजिक देखने लगेंगे और गुस्सा या डर कभी फील नहीं करेंगे बट तब आप दूसरे लोगों को एक ईडियट लगेंगे जो टॉस्टोएस्की की बुक का टाइटल है हम ऑलरेडी उन सभी चीज़ों से घिरे हुए हैं जो इमेंस हैप्पीनेस दे सकती हैं इफ़ ओनली हम उन्हें ठीक से देख सकते इफ ओनली हम उन्हें अप्रिशिएट करना सीख सकते ओवरऑल दिस नावल रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ डैथ एंड सफरिंग एज़ वेल एज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी टॉस्टोवेस्की की फाइनल ग्रेट नावल थी ब्रदर्स कैरमिजॉव ये एक फ़िलोसॉफिकल नावल है जो गॉड फ्री विल वॉरैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछती है नावल के एक पर्टिकुलर पैसेज में दिखाया गया है जीजस अर्थ पर वापस आ जाते हैं क्राइस्ट अपनी फॉर्वनेस एंड यूनिवर्सल लव की टीचिंग्स फुलफ़िल करने के लिए वापस आते हैं बट तब कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था चर्च का सबसे पावरफुल रिलीजियस लीडर द ग्रैंड इंक्विजिटर जीसस को अरेस्ट करवा के प्रिजन भेज देता है फिर रात में ग्रैंड इंक्विजिटर जीसस से मिलने आता है और उन्हें एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो जीसस को वो जो अर्थ पर करने आए हैं करने नहीं दे सकता ग्रैंड इंक्विजिटर जीसस को अक्यूज़ करता है कि उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर फ्री विल का बर्डन डाल दिया उसे लगता है जीसस सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए एक ख़तरा है वो आगे कहता है क्राइस्ट इस दुनिया के लिए बहुत प्योर एंड परफेक्ट हैं एंड ह्यूमैनिटी इन इम्पॉसिबल गोल्स को अचीव नहीं कर सकती जो जीसस ने सेट किए हैं द फैक्ट इज़ लोग उनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग कभी रह ही नहीं सकते क्योंकि इट्स टू परफेक्ट और वो कहता है कि जीसस को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दैट ही फेल्ड एंड ही मिस गाइडेड ग्रैंड इंक्विजिटर कोई बुरा इंसान नहीं है इनफैक्ट डॉस्टोवेस्की उसे अपनी स्टोरी में एक एडमरेबल फिगर की फॉर्म में पोर्ट्रे करते हैं ही इज़ अ गाइड टू अ क्रूशल आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स के नॉट लिव इन प्योरिटी कैन नॉट एवर बी ट्रूली गुड के नॉट लिव अप टू क्राइस्ट्स मैसेज एंड दिस इज समथिंग वी शुड रेकनसेल आर सेल्स टू विद ग्रेस रादर देन फ्यूरी और सेल्फ हेटरेड हमें एक्सेप्ट करना होगा अनरीजनेबलनेस फॉली ड सेल्फिशनेस ह्यूमन कंडीशन के ऐसे पार्ट्स रहेंगे जिन्हें जड़ से कभी नहीं हटाया जा सकता एंड इट्स नॉट अ पैसिमिस्टिक व्यू इस जस्ट हम इन ह्यूमन कंडीशंस को कभी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे वो कहते हैं हमें ये सोच के बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है कि ओनली इफ़ वी ट्राइड हार्ड इनफ तब हम परफेक्ट बींग्स बन सकते जो आइडियलिस्टिक फ़िलासफ़ीज लाइक क्रिस्टैनिटी सिखाती हैं डॉस्टोएसकी की कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी मौत 1881 में हो गई ही हैड अ वेरी हार्ड लाइफ जितनी भी चीज़ों के बारे में डॉस्टोस्की ने अपनी राइटिंग्स में वॉर्न किया था वो सभी बाद में रशिया में हुई लाइक नाहलिज़म एंड एथेज़म बड़े लेवल पर फैलने लगे चर्च कलैप्स हो गया मार्क्स एंड लेनिन की आइडियोलॉजीज़ जिसने लोगों को बिलीव कराया कि बिना गॉड के एक परफेक्ट सोसाइटी बनाना पॉसिबल है फर्स्ट मिलियंस ऑफ डेथ्स टॉस्टोएसकी का एटीट्यूड ब्लिक एंड ट्रेजिक लगता है बट वो एक्चुअल में हमें मोर कम्पैशनेट एंड काइंड होने के लिए कहते हैं टॉस्टोएसकी हमें एक डार्कर ट्रूथ की तरफ गाइड करते हैं दैट लाइफ इज एंड एवर विल बी सफरिंग उनकी बुक्स को जो चीज़ स्पेशल बनाती है वो है गुड एंड ईवल चूज़ करने का फ्रीडम जिसे टॉस्टोवेस्की ह्यूमन एग्जिटेंस का एसेंस मानते थे द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस लाई इज नॉट जस्ट स्टेइंग अ लाइव बट इन फाइंडिंग समथिंग टू लिव फॉर डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग